महामृत्युंजय, कालंजय, अविनाशी, सर्वेश्वर, महाकाल कहे जाने वाले शिव जी की आज हिंदू समाज में बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत सारे संत, महंत और धर्मगुरु भी इसी कथन का समर्थन करते हैं और शिव जी को ही सबसे समर्थ भगवान बताते हैं। परंतु संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने हमारे पवित्र सदग्रंथों में शिव जी की समर्थता के विषय में कई सारे चौंकाने वाले प्रमाण जनता के सामने उजागर किए हैं, जिनकी सच्चाई आज से पहले हमारे सामने नहीं आ पाई। शिव जी की शक्ति और समर्थता का परिचय देती हुई एक सच्ची घटना की वास्तविकता से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इस हकीकत को जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सच में शिव जी ने मृत्यु पर विजय पाली है? क्या वे महामृत्युंजय कहलाने योग्य हैं? इन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर जानिए इस सत्य कथा के माध्यम से, जिसमें शिव जी का सामना उनके ही एक परम भक्त भस्मागिरी से होता है। देखिए सत्य घटना पर आधारित यह 2D एनिमेशन वीडियो। कौन है शिवजी से भी समर्थ? एक बार एक भस्मागिरी नाम का शिवजी का साधक था, जो आगे जाकर भस्मासुर कहलाया। उसने शिवजी के द्वार पर कैलाश पर्वत के सामने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिवजी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे स्वामी, आपका ये भक्त 12 वर्ष से आपकी साधना में लीन है, इसका क्या अभीष्ट है? उसे संतुष्ट कीजिए भगवान। अपनी पत्नी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव भस्मासुर के पास आए और कहा, उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, पहले आप वचनबद्ध होइए, तब मांगूंगा। ठीक है, हो गया वचनबद्ध, बोलो क्या चाहते हो? भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान, मुझे आपका ये भस्म कंडा दे दीजिए। भगवान शिवजी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दें तो वो भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। शिवजी वचनबद्ध थे, उन्होंने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को दे दिया। ठीक है भस्मगिरी, तथास्तु, लो कड़ा। भस्मागिरी ने भस्म कंडा ले लिया। जैसे ही भस्मागिरी के हाथ में कड़ा आया, वैसे ही भस्मागिरी ने अपने हाव भाव बदल लिए। ओले शिवजी होशियार, आज मैं तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिवजी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी शिवजी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा कि आज तो मेरी जान जाएगी, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया। तब पूर्ण परमेश्वर सर्वसृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आए। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और भस्मागिरी को अपनी ओर बुलाया। भस्मागिरी ने सोचा, चलो पहले पार्वती से मिल लेता हूं, शिव तो वैसे भी यहां नहीं आने वाला। कहां भागे जा रहे हो ऋषि जी, रुक जाओ, दो बात कर लो। मेरे लिए तो आपने इतनी तपस्या की है, आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं। नृत्य? अरे मैं तो तपस्वी आदमी हूं, मुझे नृत्य नहीं आता, मैंने कभी भी नृत्य नहीं किया।
कोई बात नहीं ऋषि जी, मैं आपको सिखाती हूँ नृत्य कैसे किया जाता है। पार्वती रूप में परमात्मा कबीर साहिब नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। नृत्य सिखाने के दौरान जैसे ही भस्मागिरी का भस्म कंडे वाला हाथ उसके खुद के सिर के ऊपर आया, तभी पार्वती रूप में परमेश्वर ने कहा, भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वहीं भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बची। पार्वती रूप में कबीर परमात्मा ने कड़ा उठाया और विष्णु भगवान का रूप बना लिया। विष्णु भगवान रूप में कबीर परमात्मा कड़ा लेकर शिवजी के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। भगवान शिवजी भागे जा रहे थे। विष्णु रूप में कबीर परमात्मा ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, कहां भागे जा रहे हो? कोई विपत्ति आ गई क्या? भाग लो विष्णु, भाग लो। एक दुष्ट साधक ने मुझसे मेरा भस्म कड़ा धोखे से ले लिया है और अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। भोलेनाथ, ये लो तुम्हारा कड़ा। अरे नहीं नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता। ये वही कड़ा है, भस्मासुर अब नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या किया आपने? मैंने पार्वती रूप बनाकर उससे गंडहत नृत्य करवाया और जैसे ही उसका खुद का हाथ उसके सिर के ऊपर आया, तभी उसको भस्म कर दिया और ये भस्म कंडा प्राप्त किया। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ, उसकी राख दिखा देता हूं आपको। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली, तब उन्हें विष्णु रूप में आए कबीर परमात्मा की बातों पर विश्वास हुआ। राख देखने के बाद मृत्युंजय, अविनाशी, सर्वेश्वर तथा अंतर्यामी कहलाने वाले भगवान शिव की धड़कनें धीमी हुई, जिससे सिद्ध होता है कि वे अविनाशी नहीं है। वास्तव में समर्थ अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब हैं, जो अनेकों रूप धारण करके सभी जीवों का पालन पोषण और रक्षा स्वयं ही करते हैं। दर्शकों, इस 2D एनिमेशन को देखने के बाद अब आप शिवजी की समर्थता की हकीकत को जान पाए होंगे। वास्तव में तो समाज की दृष्टि में महामृत्युंजय, अविनाशी और अंतर्यामी कहे जाने वाले शिवजी खुद ही नहीं पहचान पाए कि उनके भक्त के मन में क्या इच्छा है। दर्शकों, सच्चाई तो ये है कि शिवजी से भी ऊपर कोई परम शक्ति है, समर्थ पूर्ण परमात्मा है, जिसने उनकी जीवन रक्षा की। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही वो अविनाशी, महामृत्युंजय, अंतर्यामी परमात्मा है, जिनकी गवाही पवित्र धर्म शास्त्र भी देते हैं, जो अन्य रूप धारण करके अपने भक्तों की आस्था को कायम रखने के लिए उनकी रक्षा करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस छुपे हुए अद्वितीय अनमोल ज्ञान को हमारे सामने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया है। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज।